भाई दोस्तों, अचानक से मुझे अभी फ़ोन आया मेरी वाइफ का। वो मुझसे मिलने आई, उसने सरप्राइज़ दिया एकदम अचानक से कि नीचे आ जा हम लोग आए मिलने, मतलब वो है और उसके फ्रेंड्स भी है साथ में। तो उसने एकदम सरप्राइज़ दे रही मुझे। उसने फ़ोन तो कर रही थी बार बार, तो मुझे ऐसा डाउट तो आ रहा था मेरा, लेकिन कहाँ ऐसे मुझे लगा सिर्फ ऐसी बात करी पूछ रही, लेकिन मुझे लग रहा नहीं था कि आ जाएगी वो। तो अभी जब उसका फोन आया वो नीचे पहुँच गई, तो जा रहे उससे मिलने भी, साथ में मिलते भाई देखते। ये देखो पहुंच गई। कैसे हो? हाय। तो उस पे भी ना एवरीवन। तो अभी हम मिल चुके हैं, सब आ गया। अभी देखा, इसको पता चल गया था कि मैं सरप्राइज देने वाली हूँ। हाँ, मेरे को पता चल गया था। ये देखो दोस्तों, रात के बज रहे 3:30 और अभी भी काम चल रहा है। ये देखिए अभी भी सेटअप हो रहा है, कितने लोग काम कर रहे हैं अभी भी। ये देखिए एक इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए कितने लोग काम करते हैं इवेंट के लिए। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी पूरा काम चल रहा है। देखिए तो भाई दोस्तों, भी बज रहे सुबह के 4:30 और काम अभी तक भी खत्म नहीं हुआ है भाई। तो नींद कितनी है, नींद आ रही है, लेकिन क्या करें, काम करना है। इतने बड़े बड़े होटलों में, 5-स्टार होटलों में रूम मिलता है, लेकिन सो नहीं पाते। सोना नसीब में नहीं होता रूम में। रूम बस सिर्फ बैग रखने के लिए, ना सामान रखने के लिए होता है, सोने के लिए नहीं। लोग सोचते भाई ये 5-स्टार होटल में गए, काम कर रहे हैं, मस्त मजे है इसके, लेकिन उनको क्या मालूम पीछे की कहानी कि रात रात भर जाके कैसे काम करना पड़ता है। नींद हराम करनी पड़ती है। तो ये सब होता है इवेंट के पीछे की कहानी है ये सब भाई, तब जाके एक इवेंट सक्सेसफुल होता है। जो आप सब देखते हो ना कि क्या मस्त इवेंट है, क्या शो है, तो ऐसे होता है वो। रात जाग के एक इवेंट मस्त होता है। कुछ नहीं भाई, जा रहे अभी रूम पे थोड़ा फ्रेश होने, सोने नहीं फ्रेश होने, नहा भी के बस कपड़े वपड़े चेंज करके फिर आएगी और काम पे लग जाएगी। जा रहे अभी रूम पर, चाय के मस्त थोड़ा फ्रेश होइए, चाय कॉफ़ी भी पी के और वापस काम पर लग जाएगी। तो ये हालत है भाई। इन आँखों में अब नींद कहाँ। दोस्तों आ गए मस्त भाई, रेडी हो गए, तैयारियाँ से यार होके फुल इवेंट के लिए। बस कुछ नहीं, अभी पूरा सेटअप तो हो चुका है, अभी बस एक बार पूरा जो जो काम बचा वो करना है और इवेंट चालू हो जाएगा 10 बजे भाई। उससे पहले पूरी प्लानिंग करनी है, पूरा काम करना है, सब रेडी करना उससे पहले। तो चलो भाई काम पर लगते हैं, मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर में और दिखाते जब इवेंट चालू हो जाएगा। तो तो सुबह 7:30 बजे से इवेंट चल रहा है और अभी बस जस्ट लंच ब्रेक हुआ है, तो अभी थोड़ा सा टाइम मिला आप लोगों से बात करने का। 4,000 लोगों का इवेंट है भाई, 4,000 लोग आए, अलग अलग बॉल रूम में अलग अलग पब्लिक का इवेंट चल रहा है। मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कितनी पब्लिक है। देखो तो देखो, ये देखो कितनी पब्लिक है, सब अलग अलग जगह से पब्लिक आई, अलग अलग कंपनी का इवेंट था। तो
तो अभी लंच टाइम चल रहा है। दोस्तों अभी हुआ है चाय टाइम, पब्लिक चाय भी पीने, मतलब नाश्ता इश्ता करने का, ये बाहर निकली। अभी थोड़ा ब्रेक मिला है 15 मिनट का, उसके बाद से फिर से सेशन चालू होएगा भाई। उसके बाद दो कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, फिर उसके बाद इवेंट ख़त्म होएगा। तो मैं भी थोड़ा चाय भी नाश्ता कर लेता भाई, चाय भी पी लेता हूँ, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। और बाकी सारे बॉल रूम में और भी चल रहा है अभी तक थोड़ा मीटिंग, सब बॉल रूम के अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस और अलग अलग टाइमिंग्स हैं। तो बने रहिए, एक बार इवेंट ख़त्म होता फिर आपको बात करेगा अच्छे से पूरा घुमाएंगे। तो भाई दोस्तों पूरा एक दो दिन के बाद बाहर आए थे घूमने, मैं तो जब से होटल में ही थे होटल में ही काम चल रहा था, बाहर आके मस्त लग रहा है एकदम, अंदर ही नहीं तो बोर हो गए थे कम से कम। बाहर आके थोड़ा थोड़ा घूम के अच्छा लग रहा है। अभी जा रहे फिर से वापस, थोड़ा काम है और बारिश भी आ रही है, थोड़ी इससे पहले बारिश तेज हो जाए तो जाते भाई काम करते हैं।